हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होगे, अपने घरों में खुश होगे और आप लोगों ने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा होगा। तो दोस्तों जी, आज मेरे पास जो मूवी मौजूद है वो है रॉबिन शर्मा की ओ विल क्राई व्हेन यू डाई। सो रॉबिन शर्मा की तो वैसे भी बहुत सारी बुक्स मौजूद है, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद आई है ना, वो है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। दैट्स अमेजिंग बुक। मुझे ये पढ़कर इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ और जो है वो आप लोगों को रिकमेंड करूँ कि यार जाके इस बुक को पढ़ो ज़रूर, एक दफ़ा तो लाइफ में इंसान ने पढ़ना ही पढ़ना चाहिए इस बुक को। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो है वो हमेशा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों को जल्द अज जल्द मिलती है। तो जी, टाइम वेस्ट करते बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जी, देखते हैं यहाँ पे रॉबिन शर्मा की। देखिए, सबसे पहले हमारे पास रॉबिन शर्मा का यहाँ पे कितना खूबसूरत सा कवर मौजूद है, बहुत प्यारा सा हमारे पास कवर है जिसपे बराबर टाइटल बुक का नेम लिखा हुआ है, रॉबिन शर्मा का अपना नाम लिखा हुआ है। फिर जो है वो हम कुछ खोलते हैं तो यहाँ पे पब्लिशर्स वगैरह का लिखा हुआ है कि किसने पब्लिशिंग हाउस वगैरह कहाँ से हुई है। यहाँ पे लिखा है चेन्नई, दिल्ली वगैरह, यहाँ लखनऊ वगैरह से हुई है, यानी कि इंडिया के ये जो है वो मुंबई के जो है वो मुंबई से ताल्लुक है रॉबिन शर्मा का। सो उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ डेडिकेशन वगैरह की गई है, किसको डेडिकेट की गई है, यहाँ पे आप लोग ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे किसको डेडिकेट की गई है, किसको लिखी गई है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों को ईजीली मिल जाएगा। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा कोट के साथ ये बुक जो है वो स्टार्ट लेती है। द कोट है, द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज़ नॉट डैट बट वॉट वी लेट डाई इन साइड ऑफ अस वाइल वी लिव। वाओ, नॉर्मल कोसाइंस का इतना ज़बरदस्त जो है वो एक कोट इन्होंने यहाँ पे जो है वो कोट किया है, ज़बरदस्त, बहुत ही जो है वो बहुत ही एक प्यारा कोट कह रहे ज़िंदगी के मामले में, बहुत मुझे ज़बरदस्त लगा। और फिर जो है वो बुक का होता है स्टार्ट। जी, तो यहाँ पे बुक के बहुत सारे जो है वो चैप्टर्स बने हुए हैं। डिस्कवर योर कॉलिंग, एवरी डे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर, मेंटेन योर प्रेजेंटिव, प्रैक्टिस टंग लव, कीप अ जर्नल, डेवलप अ ऑनेस्टी फिलोसफी, हॉनर योर पास्ट, स्टार्ट योर डे वेल, लर्न टू से नो ग्रेसफुली, टेक अ वीकली सेपरेट एंड टॉक टू योर सेल्फ, एंड देन बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसको आप रोज़ रोज़ नए नए पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप रोज़ एक टॉपिक पढ़ें तो 101 दिन, यानी कि 101 दिन दो महीने बल्कि चार महीने आप आराम से इस बुक के अगर रोज़ एक टॉपिक पढ़ें तो आराम से आपकी जो है वो ज़िंदगी के 4 महीने गुजर जाएंगे, भाई वाह। अच्छा जी, तो जी सबसे पहले देखते हैं कौन सा हमें जो है वो टॉपिक पढ़ रहा है। तो जी, हम यहाँ पे खोलते हैं, यहाँ पे कुछ बहुत सारे जो है वो कोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट जो है वो डिस्कवरी ऑफ कॉलिंग की तरफ जाते हैं। तो जी, इसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है वो अपनी जो है वो एबिलिटीज़ को निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप लोग जो है वो अपने जो अंदर का एक मैन है, जो एक ऐसा क्रिएटिव आदमी जो आपके अंदर छुपा हुआ है, आप उसको किस तरीके से डिस्कवर कर सकते हैं। सो दैट्स अमेजिंग। और इसके जो है वो 3 पेज है। अगर आप लोग दिन में एक दिन भी निकाल लें, एक दिन में एक घंटा भी निकाल लें, बल्कि 20 मिनट भी अगर आप निकाल लें, सो ये बहुत ज़बरदस्त बुक है, एक चैप्टर आप ईजिली पढ़ सकते हैं पर डे। सो यहाँ पे इस पर कुछ इसी तरह का लिखा हुआ है कि जो है वो यहाँ पे किस तरीके से जो है वो आप अपने आपको डिस्कवर कर सकते हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ वगैरह है, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं, दूसरा चैप्टर रहता है एवरी डे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर। हर दिन जो है वो एक राहगीर की तरह होता है, भाई वाह। यहाँ पे इधर भी कुछ इसी टाइप का लिखा हुआ है कि आपने किस तरीके से जो है वो हर दिन में कोई नया जो है वो टीच करना है, कोई नया जो है वो मोरल लेना है, और यहाँ पे इसके बारे में भी इतना कुछ लिखा हुआ है, मेंटेन योर प्रेजेंटिव। उसके बाद है यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यानी कि प्रैक्टिस टंग लव, यानी कि ज़बान से जो है वो कोशिश करें कि आप जो है वो अपने अच्छे खैर के अल्फाज निकालें, मुहब्बत ज़्यादा अल्फाज निकालें। और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अच्छा जी, उसके अलावा कीप अ जर्नल,
अपने आप को जो है वो एक रोज़ जो है वो एक बेस्ट पर्सन ग्रोथ करें, कि आप एक बहुत एक अच्छे एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अपनी जो है वो सेल्फ अवेयरनेस करें, अपने साथ वक्त गुजारें, अपने आप को वक्त दें, अपने अंदर की चीज़ों को जो है वो देखें क्या आप अच्छे से कर सकते हैं, ये सारा कुछ क्या है इस पर लिखा हुआ है। सो जी अभी अगर हम और थोड़ा डीप में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इतने ही रिव्यू में मुझे यहाँ पे वीडियो ख़त्म करनी पड़ेगी बहुत अफसोस के साथ। सो फिर भी लेकिन जितना मैंने आप लोगों को बताया उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। सो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।